सो गाइस, हॉलीवुड की तरफ से एक हॉरर साइंस फिक्शनल मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है स्लिथर, जहां मूवी की ड्यूरेशन आपको 1 घंटे 35 मिनट के आसपास देखने को मिलती है, जहां ये करंटली आपको Amazon प्राइम के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी एंड इसकी हिंदी डबिंग आपको डिसेंट सी ही देखने को मिलती है। तो ये बात करती है इसी मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी आपको इंपोर्टेंट पोस्ट टाइम डिजर्व भी करती है कि नहीं। स्लिथर जहां मूवी की स्टोरी बेस्ड है काइंड ऑफ क्रिएचर, या मैं बोलूं पैरासाइट के ऊपर, जहां मूवी के स्टार्टिंग में स्पेस से एक छोटा सा मीटियोर अर्थ पे गिरता है एंड उसी में से हमें एक पैरासाइट निकलते हुए दिखता है, जहां यहां से मूवी होके स्टारलैंड ग्रांट के ऊपर चली जाती है जो कि एक पति पत्नी होते हैं, जहां ग्रांट अपनी पत्नी स्टारला को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था बिकॉज लोगों की गंदी नजरें उसकी पत्नी पे रहती थी, जहां ग्रांट की इतनी चिंता स्टारला को कहीं ना कहीं दुख देती थी जिसकी वजह से हमें लड़ाई भी देखने को मिलती है, जहां इसी लड़ाई के चक्कर में ग्रांट अपनी साली के साथ एक जंगल में चला जाता है उससे अपना दुख बांटने के लिए, जहां ये जंगल वही है जहां मीटियोर गिरा था। देन आगे मूवी में पैरासाइट का ग्रांट के ऊपर अटैक करना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती है एंड उसी वजह से ग्रांट एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है जो कि लोगों को खाना शुरू कर देता है। सो मूवी में आगे क्या स्टारला अपने पति ग्रांट को बचा भी पाती है कि नहीं, वही हमें मूवी में आगे देखने को मिलता है। जब मैं बात करूं अपनी कि मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी, तो मूवी ठीक ठाक ही थी बिकॉज मूवी में आपको एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाया गया है जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ब्रूटल है एंड डेफिनेटली ये चीज बच्चों को तो नहीं देखनी चाहिए। मूवी में आपको ब्रूटल एंड बियर्ड सीन्स बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाए जाते हैं। तो अगर आप ब्रूटैलिटी काइंड ऑफ मूवीज देखना पसंद करते हो तो ऑफ कोर्स ये मूवी आपके लिए ही बनी है एंड ऑल्सो थोड़े बहुत हॉरर सीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जहां मूवी में एक्टर की एक्टिंग आपको अच्छी देखने को मिलती है पर इसके प्रोडक्शन क्वालिटी एंड हिंदी डबिंग आपको डिसेंट सी देखने को मिलती है। सो यस, दिस मूवी डिजर्व योर इंपॉर्टेंट पोस्ट टाइम। मूवी में आपको एडल्ट सीन एंड ब्रूटल सीन देखने को मिलते हैं, सो यू कैन डिसाइड किसके साथ देखना है और किसके साथ नहीं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके पर्सनल ओपिनियन इस मूवी को लेके, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना एंड और रिव्यूज के लिए देखते रहिए बॉचल वीडियो।